नमस्कार, ई एनएन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। 2024 के लोकतंत्र के महापर्व का सातवां चरण या कहें कि मतदान का अंतिम चरण आज समाप्त हो गया है। अब सभी को इंतजार है 4 जून का। सभी जानना चाहते हैं कि 2024 का सियासी ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। पहले विधानसभा के चुनावों में हमने यानी कि ई एनएन भारत ने जिस तरह से अपना ओपिनियन पोल आपको दिखाया था, उसी तरह इस बार भी हम अपना एग्जिट पोल लेकर आए हैं। यह एग्जिट पोल 3 तरीकों से किया गया है। पहला, प्रत्येक लोकसभा की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए और पिछले 5 इलेक्शन में मतदाता के व्यवहार को देखते हुए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से टारगेटेड 200 लोगों से बातचीत की गई है। वहां के पत्रकारों की राय ली गई है, वहां के बुद्धिजीवियों की राय ली गई है। इस सर्वेक्षण में अधिकांश प्रश्न राजनीतिक पार्टियों के कैंपेन और जनहित के मुद्दों को आधार बनाकर तैयार किए गए हैं। उसी के आधार पर हम आपको यह एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं। अब एग्जिट पोल दिखाने से पहले इस चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ प्रमुख मुद्दे थे, बयान थे, नेताओं की प्रतिक्रियाएं थी, उन्हें हम आपके सामने रखते हैं। 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर एमके स्टालिन हो, किसी ने भी ऐसा कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे जनता का ध्यान मुद्दे से हटाया जा सके। पिछले 25 वर्षों में कांग्रेस पार्टी या क्षेत्रीय दल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देती थी जिससे वास्तविक मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने में सफल हो जाती थी, जो कि इस बार नहीं हुआ। संभवतः यही एक सबसे बड़ा कारण था जिसका फायदा विपक्षी दलों या यह कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का, 2019 का और वर्तमान 2024 का चुनाव हमेशा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। बीजेपी को 2 चुनावों में सफलता भी मिली, परंतु अगर आज हम जनता की राय को प्राथमिकता दें, बुद्धिजीवियों की राय को प्राथमिकता दें और पत्रकारों की राय, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिकता दें, तो इस चुनाव में मोदी जी के भाषणों के द्वारा जितना नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसकी भरपाई ना तो भाजपा के कार्यकर्ता कर पाए, ना आरएसएस के स्वयंसेवक कर पाए, ना ही ब्लॉक से लेकर जिले स्तर तक के भाजपा के नेता कर पाए। और राज्य स्तर पर नेता तो भाजपा के पास किसी राज्य में बचे ही नहीं है, जिसका नुकसान साउथ से लेकर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हुआ। महाराष्ट्र की स्थिति तो दयनीय थी, लेकिन बीएस येदियुरप्पा के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर्नाटक में अनाथ हो गए। बंगाल में वो असहाय हैं, कमोवेश यही स्थिति सारे राज्यों की रही। अब हम उन बयानों की चर्चा करते हैं जिससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहना, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान मुद्दे की बात ना करके अनावश्यक रूप से हिंदू मुसलमान करना, मोदी जी के भाषणों को जनता के द्वारा सीरियस ना लेना और खुद से उनका मजाक उड़ाना। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी लोकसभा सीटें जीतेंगी वो मोदी जी के कारण ही जीतेंगी, और जितने भी लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा वो भी मोदी जी के कारण ही जीतेगा, क्योंकि मोदी जी के भाषणों ने यह चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा नहीं बल्कि मोदी वर्सेस मतदाता कर दिया था। मोदी जी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और हो गए। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले मोदी जी रेवन्ना पर कुछ नहीं बोले, महिला पहलवानों पर कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ उस पर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। पर उनकी बीजेपी पार्टी ने स्वाति मालीवाल और विभव कुमार की मारपीट को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने परोसने का प्रयास किया, जिसे जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। मोदी जी की प्रतिष्ठा अपने आप धूमिल हो गई, जिसके भरोसे वो अपने सांसदों को जिताकर लोकसभा तक पहुंचाने वाले थे। मोदी जी विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश जनता की नज़रों में मोदी जी अपना मजाक खुद उड़ा रहे थे। चाहे वो गंगा में खड़े होकर झूठ बोलने की बात हो कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, या फिर अडानी और अंबानी ने काला धन कांग्रेस को दिया है वाला बयान हो। अब हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और राज्य के अनुसार एग्जिट पोल का परिणाम आपके समक्ष रखेंगे, जो अल्फाबेट के अनुसार होगा। इसमें हम आपको एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और वैसी पार्टी जो ना आज की डेट में किसी इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ है, उसके बारे में बताएंगे। हम अपना परिणाम दिखाने के पहले एक चर्चा और करना चाहते हैं। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने जो काम इस बार किया है, संभवतः भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी नेता ने नहीं किया है। बिहार में तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मोदी से लड़ रहे हैं,
महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी से लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से लड़ रही हैं, और सभी ने मोदी को अपने अपने राज्य में परास्त किया है। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह आम चुनाव जनता ने लड़ा है, यह चुनाव जनता ने मोदी के सपोर्ट में लड़ा है या मोदी के विरोध में, और मोदी के विरोध में लड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया है इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने। 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा हुआ है तो वो ये कि लोग ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी का खटाखट और तेजस्वी यादव का फटाफट टनाटन एक नए कैंपेन की ओर इस चुनाव को ले गया है, और इन्हीं नेताओं की बदौलत ये एग्जिट पोल आज कुछ और ही बयां कर रहा है। चलिए अब और वेट नहीं करवाते हैं और दिखाते हैं ENN भारत का एग्जिट पोल। इसमें 1-2% गलती होने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। NDA को यहाँ पर कम से कम 13 सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक सीट मिलती हुई दिख रही है। बात करें आदर्श या YSR कांग्रेस की, तो कम से कम उसे 9 सीटें मिल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सीटें मिल रही हैं। अंडमान निकोबार में एक ही लोकसभा सीट है और वो भी इंडिया के खाते में जाते दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से NDA को लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 2 सीटें मिल रही हैं, लेकिन हो सकता है कि इंडिया गठबंधन यहां पर एक सीट जीत जाए। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से NDA को कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया को कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें मिल रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से NDA गठबंधन कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 सीटें जीत रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 सीटें आ रही हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर एक ही लोकसभा सीट है और वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और यहां पर NDA को कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया को कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें मिल रही हैं। दादर एवं नगर हवेली की एक लोकसभा सीट पर NDA को जीत मिल रही है। दमन एवं दीव की एक लोकसभा सीट भी NDA के खाते में जा रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से NDA को कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया को कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें मिल रही हैं। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से एक सीट पर NDA को और एक सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें NDA के खाते में जा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें मिल रही हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं जिनमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें NDA जीत रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 सीटों पर जीत हासिल करती नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर NDA कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन यहां पर कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें जीत सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा सीटें हैं और यहां NDA को लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लोएस्ट 4 और हाईएस्ट 5 सीटें मिल रही हैं। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर NDA को लोएस्ट 7 और हाईएस्ट 9 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को लोएस्ट 5 और हाईएस्ट 7 सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहां पर 28 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से NDA कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन यहां पर कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 सीटें जीत सकता है। केरला में कुल लोकसभा सीटें 20 हैं और यहां पर NDA बस एक ही सीट जीत सकता है। वहीं इंडिया के खाते में कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें आ रही हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से NDA को कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर NDA को कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 34 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 सीटें मिल रही हैं। वहीं एक सीट आदर्श के खाते में जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से NDA को एक सीट पर जीत मिल रही है। वहीं इंडिया को कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं और ये दोनों लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भी इंडिया गठबंधन को ही जीत मिलती दिख रही है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बात करें उड़ीसा की तो यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से NDA को कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें मिल रही हैं।
इसके अलावा बीजेडी को यहाँ पर कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें मिल रही हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो ये 13 की 13 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर है। अब आते हैं राजस्थान में, तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 18 सीटें जीत रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें जीत रहा है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से को कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 38 और ज्यादा से ज्यादा 39 सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए को कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें आ रही हैं। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें और अदर्स को कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल रही है। बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में कम से कम 45 और ज्यादा से ज्यादा 54 सीटें जा रही हैं। वहीं इंडिया को कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 35 सीटें मिल रही हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं जिनमें एनडीए के खाते में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया को कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें मिल रही हैं। अंत में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की 42 लोकसभा सीटों में कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 16 लोकसभा सीटें एनडीए को मिल रही हैं। वहीं कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 28 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, 13 राज्यों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी की सीटें किसी भी स्टेट में नहीं बढ़ रही हैं बल्कि कम हो रही हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें बढ़ रही हैं, बाकी केरल तमिलनाडु में बीजेपी को 0-0 सीटें मिल रही हैं। और जिस भी राज्य में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर देखें तो किसी भी गठबंधन को 300 सीट नहीं मिलने जा रही हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। एनडीए को मिनिमम 221 सीटें और मैक्सिमम 267 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया की सरकार बन गई है, पर हाँ, सरकार बनाने के करीब इंडिया जरूर है। इंडिया को मिनिमम 251 और मैक्सिमम 296 सीटें मिल रही हैं, वहीं अदर्स को 20 से लेकर 25 सीटें मिल सकती हैं। वीडियो पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।